लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद। लखनऊ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गुर्जर जी के आदेश अनुसार पीस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जनपद आगरा की गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। जनपद आगरा हाईवे के शहादरा झरना नाले के पास जंगल में ले जाकर दिन दहाड़े पति के सामने पत्नी के साथ तीन युवकों ने सरेआम गैंगरेप किया और सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। महिला ने एतमादपुर थाने में लूट और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में शहादरा एतमादपुर द्वारा निवासी दो युवक नामजद हैं और एक अज्ञात है। महिला ने तहरीर में वारदात का जो अंदाज बताया है वो दिल दहलाने वाला है। पुलिस जांच कर रही है लेकिन पुलिस ने दो अपराधियों को जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान मंसूरी, जिला अध्यक्ष पीस पार्टी फिरोजाबाद। आज आपका आगरा नुनियाई में किस संबंध में आना हुआ है? आज आगरा नुनियाई में इस समय जो आना हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार पूरे पीस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज आगरा में आया है और जो बहन है जो दरिंदगी तीन लोगों ने की है उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तो की लेकिन बस्ती के लोगों के साथ महिलाओं के साथ पुलिस ने बहुत अन्याय किया है और उनको उनके साथ मारपीट की है, उनको प्रताड़ित किया है। पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ख़राब है और उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश सरकार को के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं संभल पा रही है, यहाँ पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। घर पर आए हुए हैं, उनके साथ में जो घटना हुई उन्होंने जो तहरीर की है वो तहरीर आपके सामने है। इसमें दो नैम है, एक अज्ञात है, गरीब लोग हैं। मैं पीस पार्टी की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि किसी भी परेशानी को उनको सामने नहीं आने देंगे। जमानत से लेकर जजमेंट होने तक पूरी तरह अच्छी तरह से पैरवी करेंगे। फिरोजाबाद से आगरा कितनी बार आना पड़े, मैं मेरे साथी पीस पार्टी के सारे लोग आपका साथ देने को तैयार हैं। आपको इंसाफ दिला के रहेंगे क्योंकि हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट हमें ज़रूर न्याय देगा। ये हमारे समाज में साथ में बड़ी पसंदी की ब्लैकमेल करने की कोशिश की लेकिन बड़े अफसोस कहना पड़ रहा है आपको साथ में कि अभी तक सब लोग पकड़े नहीं जा सके। ये सरकार बड़ा ढिलाई से काम कर रही है। कायदे की बातें थी कि अब सबको अब तक जेल में होना चाहिए। जिन लोगों ने ये कुकर्म किया वो लोग कहाँ के थे? वो यहीं पास के रहने वाले थे। क्या किसी गिरफ्तारी हुई है उसमें से? अभी उन्हें दो लोग गिरफ्तारी हो गई है और एक वो लापता चल रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ा। उनके नाम? उनके नाम जो है एक का नाम मुन्नू है, एक राजपूत है, एक लड़का एक गौरी है जी। और हम जो है ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपने भाई के साथ में अपने समाज की अपनी बिटिया की भलाई के लिए हर तरह से उनके साथ में हैं। उनके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। अगर उनके साथ अन्याय होगा तो समझ लेना कि जो है हम मर चुके हैं, मर जाएंगे तो भी अन्याय होगा। अपनी जान देने को तैयार हैं हम अपने बच्चों में।